गूगल एड्स के एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यूट्यूब एड्स में आपको सिखाएंगे किस तरह से आप नॉन स्किपेबल 15 सेकंड्स का एड चला सकते हो। कई बार आपने देखा होगा जब यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो एक एड आता है बीच में 15 सेकंड, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, बट वो 15 सेकंड का जो एड होता है उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो कि अगर आप चाहो या ना चाहो वो ऐड आपको देखना पड़ेगा। और ये ऐड बहुत यूज़फुल होते हैं अगर आपको लोगों की नज़र में अपने ब्रांड को बार बार लेकर आना है, विजिबिलिटी अवेयरनेस आपको बढ़ानी है। और इन एड्स को हम इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा प्रैक्टिकली बनाना सीखेंगे, साथ के साथ इसमें ये आपको ऑप्शन कहाँ मिलता है वो भी आप जानोगे, इसके फ़ायदे हर चीज़। तो ये वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना और गूगल एड्स का ये कोर्स पूरा सीखिएगा। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल से 50 से ज़्यादा डिजिटल टेक्निकल कोर्सेज में से कुछ भी सीख सकते हो, जो भी आपको सीखना है फ्री में। और आगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज लेकर आ रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट नॉन स्किपेबल इनस्ट्रीम एड इन गूगल। नॉन स्किपेबल एड्स गाइस हमारी होती है 15 सेकंड्स की एड, राइट? सो 15 सेकंड से शॉर्टर होनी चाहिए, 11 सेकंड से अबव होनी चाहिए, सो दैट हम यहां पर 15 सेकंड्स की एक नॉन स्किपेबल इनस्ट्रीम एड क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो सिंपली हम लोग यहाँ पर आते हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे और यहाँ पर हम लोग एक नया कैंपेन क्रिएट करेंगे, वीडियो कैंपेन। सो यहाँ पर आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेना, आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, प्रोडक्ट कंसिडरेशन है थ्रू नॉन स्किपेबल एड्स, एंड ब्रांड अवेयरनेस रीच है, एप्लीकेशन प्रमोशंस है या फिर लोकल स्टोर विजिट्स है, राइट? तो यहाँ पर हम जो कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं वो कौन सा कैंपेन है हमारा? नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड, राइट? इसको जिसको यूजर स्किप नहीं कर सकता है, 15 सेकंड्स तक उसको देखना ही पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पर यूजर उसको स्किप नहीं कर सकता है। तो हम इस केस में कौन क्या चीज हमें ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या सेल्स होना चाहिए, क्या लीड्स होना चाहिए, क्या वेबसाइट ट्रैफिक होना चाहिए या फिर ब्रांड अवेयरनेस होना चाहिए, राइट? तो मेजरली जो हम नॉन स्किपेबल बनाते हैं इसमें एक चीज है कि यूजर जो है स्किप नहीं कर सकता है, दैट मीन्स उसको 15 सेकेंड तक तो हमारी एड देखनी ही पड़ेगी। तो इस केस में चांसेस तो ऐसा है नहीं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट का एड दिखा रहे हो तो प्रोडक्ट परचेज ही कर ले यूजर। तो मेजरली जो हम करते हैं वो अवेयरनेस वगैरह करते हैं नॉन स्किपेबल एड्स के केस में, राइट? सो यहाँ पर राइट नाउ अभी जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। नाउ हमने ये कैंपेन सेलेक्ट किया क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस एंड देन हमने यहाँ पर कैंपेन टाइप सेलेक्ट किया, ओके? सो टाइप में हमें ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, हम टाइप में क्या सेलेक्ट करेंगे? वीडियो, राइट? तो यहाँ पर हम लोग वीडियो कैंपेन ही तो बना रहे हैं नॉन स्किपेबल इनस्ट्रीम एड। तो नॉन स्किपेबल इनस्ट्रीम एड बनाने का ऑप्शन आपको यहाँ पर अलग से मिल जाता है कस्टम वीडियो कैंपेन के अंडर क्या है टारगेट फ्रीक्वेंसी, और टारगेट फ्रीक्वेंसी के अंडर क्या है नॉन स्किपेबल इनस्ट्रीम एड, ओके? सो नॉन स्किपेबल इनस्ट्रीम एड के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, शेयर योर इंटायर मैसेज विद अप टू 15 सेकेंड्स नॉन स्किपेबल इनस्ट्रीम एड्स। नहीं, जो भी आपका इंटायर मैसेज है, जो भी इनडेप्थ मैसेज, जो भी आप भी शॉर्ट ही मैसेज दे सकते हो 15 जो सेकंड्स हैं उसके अंदर, तो आप बहुत कुछ यहाँ पर दे नहीं सकते हो, डिलीवर कर नहीं सकते हो, बट 15 सेकंड्स के अंदर भी आपको कुछ ऐसा आपको मैसेज देना है कि यूजर्स जो है चांसेस होंगे कन्वर्जन की, ओके? सो नाउ हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं नॉन स्केपेबल इनस्ट्रीम एड एंड गाइस नॉन स्केपेबल इनस्ट्रीम एड के अंदर बिडिंग क्या यूज होगी। सो नॉन स्केपेबल इनस्ट्रीम के एड्स के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सो नॉन स्केपेबल एड्स के अंदर जो बिडिंग हमारी यूज होगी वो ओनली CPM बिडिंग ही यूज होगी, ओके? सो नाउ यहाँ पर सिंपली हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अब हम आ चुके हैं हमारे कैंपेन सेटिंग्स लेवल पे, राइट? सो सबसे पहले हमारा ऑप्शन मिलता है हमें कैंपेन नेम, देन उसके बाद मिलता है बिडिंग स्ट्रैटेजी। तो कैंपेन नेम तो बहुत नॉर्मल चीज है, तो ये तो आप लोग सेटअप कर ही लोगे, ठीक है? कैंपेन का एक नेम ही तो देना है, सिंपल, राइट? तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है बिट स्ट्रैटेजी। अब मैंने क्या कहा ओनली CPM होता है, तो यहाँ पर गाइस अब चेंज भी नहीं कर सकते हो, ये CPM पे ही सेट रहेगा, कॉस्ट पर माइल पे ही आपके अमाउंट डिडक्ट होंगे, यानी कि 1000 इंप्रेशंस पे आपका अमाउंट डिडक्ट होगा, राइट? सो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है बजट एंड डेट्स। सो कैंपेन
बजट्स के अंदर कैंपेन टोटल बजट मिलता है, आपको डेली बजट मिलता है। तो यहाँ पर हमने सिंपली सेलेक्ट किया कैंपेन जो है डेली बजट लेके चलते हैं फिलहाल। तो हमने डेली बजट 2000 सेट कर दिया, यहाँ पर नॉन स्केलेबल ऐड है। स्टार्ट डेट एंड डेट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। एंड देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है नेटवर्क्स, राइट। सो नेटवर्क्स में आपको क्या चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा है, YouTube सर्च रिजल्ट्स, YouTube वीडियोस एंड YouTube पार्टनर ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क्स। सो गाइस यहाँ पर ना जो YouTube सर्च रिजल्ट्स में तो लॉजिक ही नहीं है कि हम नॉन स्केलेबल ऐड दिखाएं। अब बताओ कोई सर्च करेगा YouTube के सर्च बॉक्स में, वहां पर आपकी नॉन स्केलेबल ऐड दिखे, वो यहाँ सेंस ही नहीं बनता, राइट। तो ये आपके जो एड्स है कहाँ पर विजिबल होंगे, वीडियोज में और पार्टनर प्लेटफॉर्म्स यानी कि हमारे जो भी डिस्प्ले नेटवर्क्स हैं गूगल के, वहां पर आपके ये एड्स दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो है, सो नेक्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन है वो बेसिकली क्या है, लोकेशंस। तो लोकेशन वाइज आप टारगेट कर सकते हो, जैसे कि आपका ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज में करना है, या फिर इंडिया में करना है, फिर या फिर स्पेसिफिक अपने इंडिया के अंदर स्पेसिफिक, या फिर आप चाहे वो वर्ल्ड वाइड करो या इंडिया लेवल पे करो, आपको यहाँ पर एडवांस ऑप्शन के अंदर मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पर जैसे आप एनदर लोकेशन करोगे तो यहाँ पर एडवांस सर्च आपको मिल जाएगा। ओके, सो नाउ अभी हम लोग इंडिया, पैन इंडिया टारगेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है लैंग्वेजेस का। सो अभी राइट नाउ हम लोग ऑल लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पर कंटेंट एक्सक्लूजन का, बेसिकली यहाँ पर डिफाइन वेयर योर एड्स कैन शो, कहाँ शो होंगे। तो यहाँ पर हम अभी इसको नहीं कर सकते। ओके, सो नाउ यहाँ पर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रिलेटेड वीडियोज, तो रिलेटेड वीडियोज तो हमें डालनी नहीं है, राइट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एडिशनल सेटिंग्स। तो एडिशनल सेटिंग्स के अंदर डिवाइसेस है, फ्रीक्वेंसी कैपिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एड शेड्यूल जो हम हर एक उसमें देखते आ रहे हैं वीडियोस में, राइट। सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी वो है फ्रीक्वेंसी कैपिंग। सो डिवाइसेस में तो आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको स्पेसिफिक डिवाइसेस पे ही दिखाना है या फिर हर एक एलिजिबल डिवाइसेस पे दिखाना है, राइट। जैसे कि सिस्टम, कंप्यूटर्स, टीवी, टीवी स्क्रीन्स, राइट, फोन, टैबलेट एंड ऑल। तो यहाँ पर सारे एलिजिबल डिवाइसेस पे आपका ऐड शो होगा। आप चाहो तो स्पेसिफिक भी कर सकते हो, ठीक है, सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस पे भी कर सकते हो, क्लिक करो और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैपिंग। बेसिकली मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैपिंग में भी आपको क्या दिख रहा है, इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी, राइट। यहाँ पर आपको वो नहीं दिख रहा व्यू कैप फ्रीक्वेंसी कैपिंग या फिर दोनों ऑप्शन, यहाँ पर सिर्फ सिंगल ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि सेम यूजर को आप ये अपनी नॉन स्केलेबल ऐड कितनी बार दिखाओगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंप्रेशन कैपिंग लगा दी है, जैसे कि हम क्या करेंगे, सेम यूजर को एक दिन के अंदर हम कम से कम 5 टाइम्स अपनी ऐड दिखाएंगे। ओके, तो ये हमने सेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ऐड शेड्यूल। तो ऐड शेड्यूलिंग हम यहाँ से कर लेते हैं, जैसे कि ऑल डेज में आपको कब से लेकर कब तक दिखाना है, वीकेंड डेज में, वीक डेज में कब से लेकर कब तक दिखाना है, मंडेज में, ट्यूसडे में, वेडनेसडे, थर्सडे में, फ्राइडेज में, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आप स्पेसिफिक सेट कर सकते हो कि इस मंडेज में मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ही चलाना है। और जैसे मान लो मंडे में, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया मंडे में, तो मंडे हमने सेलेक्ट किया, हमने सेलेक्ट किया कि हम 1 AM टू जो है इतने बजे तक हम मॉर्निंग में यहाँ तक चलाएंगे, ठीक है। वापस से हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, मंडेज, ठीक है। और हमने मंडे में इस बार क्या कर लिया, PM सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये हम PM, 5 PM से लेके। तो आप स्पेसिफिक टाइमिंग ऐसे कर सकते हो, मतलब एक ही सेम डे के अलग अलग भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस टाइम पीरियड पे कोई ऑडियंस नहीं मिलती है, ठीक है, एक्टिव नहीं रहती है इस टाइप के नीश में, या फिर जो भी आप ऐड चला रहे हो, वो तो आपको पता होगा कि आपका कैसा नीश है, कैसा बिजनेस है, उसमें किस टाइप पे ऑडियंस अवेलेबल रहती है। तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो ऐड शेड्यूलिंग को प्रॉपर तरीके से, कि हाँ मैं अपना ऐड मंडे में भी जो है इस टाइम स्लॉट पे चलाऊंगा, फिर इस टाइम स्लॉट्स पे चलाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, राइट। तो राइट नाउ ना हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग डिफॉल्ट लेके चलते हैं, ठीक है, ऑल डेज का 12 AM टू 12 AM, राइट। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है थर्ड पार्टी मेजरमेंट, जो कि हमें अभी नहीं करनी, थर्ड पार्टी को इंक्लूड नहीं करना है। अब हम आ चुके हैं एड ग्रुप लेवल पे। सो एड ग्रुप लेवल पे मैं ऑलरेडी हर एक वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि पहला ऑप्शन है हु यू वांट टू रीच, किन तक पहुंचना चाहते हो। तो किन तक पहुंचने चाहते हो, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको डेमोग्राफिक एंड ऑडियंस सेगमेंट्स।
सो डेमोग्राफिक में आप अपने एज को टारगेट करो, मतलब जो ऑडियंस की एज को टारगेट करो, राइट, कि इस एज को हम टारगेट करना चाहते हैं, इस जेंडर को टारगेट करना चाहते हैं, इस पेरेंटल स्टेटस को टारगेट करना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ऑल जेंडर, ऑल एजेस एंड पेरेंटल स्टेटस और हाउस होल्ड इनकम का, तो इंडिया का तो डेटा रहता नहीं है गूगल के पास, तो वो आप ऑल चेक ही रखो, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ऑडियंस सेगमेंट्स। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर एक ऑडियंस सेगमेंट को टारगेट कर सकते हो, जिससे आपकी रीच काफी डाउन हो जाएगी, यानी कि नैरो हो जाएगी, और यहीं से आप अपने रीमार्केटिंग ऑडियंस को भी यूज कर सकते हो नॉन स्किपेबल एड्स के केस में। बट आपको ऑलवेज ब्रॉड ऑडियंस रखनी है नॉन स्किपेबल के केस में, राइट। अब वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या अपने प्लान में लेके चल रहे हो, कि अगर आपको नॉन स्किपेबल एड्स उन ऑडियंस को दिखानी है जो ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुकी है, जो आपके वेबसाइट पे आ चुकी है या फिर आपके यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है, किसी सर्टेन वीडियो को देखा है, राइट, स्पेसिफिक वीडियोस को देखा है, आपके चैनल के साथ इंटरेक्शन किए हैं, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो अपनी यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके, हु दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, यहाँ से उन ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो जो आपके यूट्यूब चैनल्स को जो यूट्यूब चैनल के साथ इंटरेक्ट कर चुकी है, राइट। तो वो ऑडियंस यहाँ पर आपको यूट्यूब व्यूवर्स या फिर यूजर्स के अंदर दिख जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमने ऑडियंस सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया। लाइक अब यहाँ पर सिंपली हमें नेक्स्ट स्टेप पे आना है, जहां पर हम किस बेसिस पे आप इस एड को दिखाना चाहते हो, कीवर्ड बेसिस पे, टॉपिक बेसिस पे, प्लेसमेंट बेसिस पे। ओके, सो नाउ हम लोग जो है अपना एड दिखाएंगे कीवर्ड बेसिस पे या फिर टॉपिक या फिर प्लेसमेंट। तो ये तीन ऑप्शन हैं, आप चाहो तो कीवर्ड बेसिस पे दिखा सकते हो, यानी कि जब कोई कीवर्ड सर्च करेगा तब हमारे ये नॉन स्किपेबल एड्स जब वो किसी भी वीडियो को प्ले करेगा तब हिट होंगे, और जब टॉपिक बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हो, यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जितने भी वेबसाइट्स एप्लीकेशंस हैं या फिर इस टॉपिक के अंदर वो यूजर इंटरेस्टेड है तो उसको भी हमारी ऐड दिखेगी। तो राइट नाउ हम लोग टॉपिक लेकर चलते हैं, बाकी प्लेसमेंट का तो आपको पता ही है, ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट वीडियोस में कवर कर रखा है कि प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर सकते हो, जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल, कोई यूट्यूब वीडियो, कोई वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन। तो यहाँ पर राइट नाउ हम लोग अभी टॉपिक्स लेके चल रहे हैं जॉब्स एंड एजुकेशन, राइट। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में यहाँ पर आप चैनल्स को टारगेट कर सकते हो, वीडियोस, लाइनअप्स, वेबसाइट, एप्लीकेशन हो या फिर एप्लीकेशन कैटेगरीज को, ठीक है। तो राइट नाउ अभी हम लोग सिर्फ टॉपिक्स लेके चलेंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल नहीं करना है, कोई एक ही करना है। या तो आप कीवर्ड्स बेसिस पे जाओ, या तो आप टॉपिक बेसिस पे जाओ, या फिर आप प्लेसमेंट बेसिस पे जाओ, राइट। नाउ लास्ट हमारा ऑप्शन है जहां पर हमें क्या करना है, 15 सेकेंड्स का अपना एक वीडियो डालना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर अपना डेमो वीडियो डालते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना लिंक पेस्ट करना है जो भी हमारा 15 सेकेंड्स का वीडियो है, राइट। अब इसको हम कहाँ यूज करेंगे, नॉन स्किपेबल, जिसको यूजर स्किप नहीं कर सकता, ठीक है। 15 सेकेंड्स तक आपकी ऐड चलती ही रहेगी, राइट। तो हमने सिंपली सेलेक्ट किया, यहाँ पर अपना लिंक पेस्ट किया, डिस्प्ले यूआरएल में आपको क्या दिखाना है वो लिंक आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, एंड देन कॉल टू एक्शन आप इनेबल कर दो, कॉल टू एक्शन में आप डाल दो नो मोर, ठीक है, जो भी आपको जैसा रखना है, ठीक है, हेडलाइन जैसा आप डाल दो, जैसे कि अभी तो ये यूनिवर्सिटी आ रहा है, राइट, अभी हम लोग उसको डाल देते हैं ज्वाइन नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से हमने हेडलाइन जो है चेंज कर दी है। ओके, तो ये सारे ऑप्शन हैं। एंड नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कंपेनियन बैनर। सो कंपेनियन बैनर जो होता है मेरा, हमारा जो ऑलवेज क्या दिखता है, सिस्टम्स में दिखता है, राइट। तो ये हमारा कंपेनियन बैनर है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो नाउ कंपेनियन बैनर्स सिर्फ कंप्यूटर्स में दिखते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ऑटो जनरेटेड यूजिंग योर चैनल बैनर एंड अपलोड एन इमेज, चाहो तो अपना एक बैनर बना के उसको यूज कर सकते हो जो कि आपके कंप्यूटर्स में दिखेंगे, राइट। अब हम आते हैं लास्ट लेवल पे, यानी कि हमारा बिड। सो बिड यहाँ पर जो रिकमेंड कर रहा है आपके, सीपीएम बिड रिकमेंड कर रहा है वो 118 कर रहा है, यानी कि 1000 इंप्रेशन पे आपके 118 डिडक्ट करेगा, बट इतना तो होना नहीं चाहिए, काफी कॉस्टली है। तो ये एवरेज जो बता रहा है वो 59 to 118 बता रहा है, राइट। सो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्रिएट कैंपेन। ओके, तो यहाँ पर हम पहले तो ये ऑटो जनरेट कर देते हैं, क्योंकि हमने अपलोड एंड इमेज सेलेक्ट कर लिया था तो हमारे पास अभी इमेज है नहीं, राइट। और हम लोग यहाँ पर ऑटो जनरेट वाले ही कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आपके चैनल बैनर को क्या करेगा, उसको यूज करके एक ऑटो जनरेट कर देगा, राइट। सिंपली हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पर क्रिएट कैंपेन। ओके, सो गाइस इस टाइप से आप एक नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हमसे लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ डिटेल्स दी हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।